योग बल के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस योग बल पावर ऑफ योगा अपन को आत्मा समझ उस परमपिता परमात्मा शिव को याद करने वाला जो श्रेष्ठ ब्राह्मण बनता है श्रेष्ठतम ब्राह्मण द एलिवेटेड द मोस्ट एलिवेटेड ब्राह्मण हु कंसिडर्स हिमसेल्फ टू बी अ सोल एंड रिमेम्बर्स द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल शिव वो ही शंकर के नाम रूप से संसार में प्रत्यक्ष होता है ही हिमसेल्फ इज रिवील्ड इन द वर्ल्ड विद द नेम एंड फॉर्म ऑफ शंकर एक ही देवता है सारी सृष्टि में 35 करोड़ देवताओं के बीच में जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है There is only one deity in the entire world among the 330 million deities whose name is suffixed to that of Shiv. जैसे शिव सदैव स्वयं स्थिति में स्थित रहने वाला है Just like Shiv is the one who always remains constant in the stage of the self. मन को जैसे कि सदैव कंट्रोल किया हुआ है It is that He is in control of his mind all the time. Unka man kabhi chalayman nahi hota. His mind never becomes inconstant. Aise hi jo purushartha vyaktitva Shankar ke naam se sansar mein usko pratyaksh hota hai. Uska man bhi padhai puri hone ke baad फाइनल परीक्षाओं से गुजरने के बाद कभी भी चलायमान नहीं होता इस जन्म में सिमिलरली द पुरुषार्थी पर्सनैलिटी हु इज रिवील्ड इन द वर्ल्ड विद द नेम ऑफ शंकर हिज माइंड नेवर बिकम्स इनकॉन्स्टेंट ईदर आफ्टर ही कम्प्लीट्स हिज स्टडी आफ्टर ही पासेस द फाइनल एग्जाम इन दिस बर्थ पुरुषार्थी मीनिंग द वन हु मेक्स स्पिरिचुअल एफर्ट शिव समान स्टेज को प्राप्त कर लेता है ही अटेन्स अ स्टेज इक्वल टू दैट ऑफ शिव और दूसरी आत्माएं मन को कंट्रोल करने में नंबर वार रहती है ऑल द अदर सोल्स आर नंबर वाइज अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी टू कंट्रोल देयर माइंड इसलिए उनका नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता That is why their name is not suffixed to that of Shiv. Shiv ke saath sirf Shankar ka naam jua jata. Only Shankar's name is suffixed to that of Shiv. Kya kaam karte hain? What work does he do? Karan karavanahar to Shiv Paramatma hi hai. Only Shiv, the supreme soul, is Karan karavanahar, the one who acts and makes the others act. परंतु शंकर के द्वारा क्या काम करते हैं जो दुनिया का कोई भी मनुष्य मात्र 35 करोड़ देवताओं में से कोई देवता मात्र नहीं कर सकता बट वॉट वर्क डज ही डू थ्रू शंकर दैट नो ह्यूमन बींग इन द वर्ल्ड एंड नो डेटी फ्रॉम अमंग द 330 मिलियन डेटीज वॉज एबल टू डू आज से 2500 वर्ष की सृष्टि की हिस्ट्री मिल रही है 2500 इयर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज अवेलेबल उस हिस्ट्री में बड़े बड़े धर्म पिताएं दिग्गज आए और दुनिया के बड़े बड़े धर्म फैलाए इन दैट हिस्ट्री ग्रेट रिलीजियस फादर्स एंड ग्रेट लर्निड पीपल केम एंड स्प्रेड द ग्रेट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड उनके करोड़ों की तादाद में फॉलोअर्स देर आर बिलियंस ऑफ देयर फॉलोअर्स क्राइस्ट के इस समय 150 करोड़ से भी ऊपर फॉलोअर्स है देर आर इवन मोर देन 1.5 बिलियन फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट एट प्रेजेंट इब्राहिम के भी कोई कम नहीं देर आरंट एनी लेस फॉलोअर्स ऑफ इब्राहिम ईदर क्योंकि दुनिया में जितने लंबे समय तक इस्लामियों ने शासन किया है सारी दुनिया के बीच
शासन नहीं किया. बिकॉज इन द वर्ल्ड नो अदर रिलीजन हैज रूल्ड फॉर एज लॉन्ग एज द पीपल ऑफ इस्लाम हैव रूल्ड. एक क्रिश्चियंस का शासन तो अभी 200-250 वर्ष के अंदर हुआ. दिस रूल ऑफ द क्रिश्चियंस स्टार्टेड 200-250 ईयर्स अगो. और दोनों ही के फॉलोअर्स की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रही. एंड द नंबर ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ बोथ द रिलीजन्स इंक्रीज्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स. परंतु उन लोगों ने अपने धर्म का स्थापना का कार्य किया. बट दोज पीपल डिड ओनली द वर्क ऑफ एस्टैब्लिशिंग देयर रिलीजन. परंतु उन धर्मों में जो पुरानी परंपराएं फैलती चली गई. द ओल्ड ट्रेडिशंस दैट वेंट ऑन स्प्रेडिंग इन दोज रिलीजन्स. रूढ़िवादी परंपराएं, अंधश्रद्धा फैलाने वाली परंपराएं. द कंजर्वेटिव ट्रेडिशंस, द ट्रेडिशंस विच स्प्रेड ब्लाइंड फेथ. उन परंपराओं का विनाश नहीं किया. दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय दोज ट्रेडिशंस. चाहे वो इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, सन्यासी हो, कोई भी हो. Whether it is Islam, the Christian religion, the Buddhist religion, whether it is the Muslim religion, the Sikh religion, the Sannyas religion, let it be any religion. परंतु उन धर्मों में जो तामसी वृत्ति फैल गई. But the degraded vibrations that spread in those religions. धर्म के नाम पर सब आज अधर्म बने पड़े हैं. All have become irreligious on the name of religion today. उन अधर्मियों का विनाश किसी ने नहीं किया. Nobody destroyed those who are irreligious. जैसा गीता में लिखा हुआ है, धर्म संस्थापनार्थाय सब धर्म की मैं आकर के स्थापना करता हूँ. Just like it is written in the Gita, धर्म संस्थापनार्थाय, that is, I come and establish the true religion. और जो असत धर्म है, and the false religions, the irreligious people, विधर्मी है, धर्म कोई नहीं मानने वाले, उन सब का मैं विनाश कर दूंगा. The विधर्मीस who do not believe in religion at all, I destroy all of them. विधर्मीस, those whose beliefs and practices are opposite to that set by the father. ये काम दुनिया में कोई भी नहीं कर सका. Nobody in the world could do this task. ये कार्य शंकर के द्वारा संपन्न हुआ है. This task is accomplished through Shankar. जब सृष्टि कलयुग के अंत में पूरी तमोप्रधान बन जाती है. When the world becomes completely tamopradhan at the end of the Iron Age. उस तमोप्रधान राक्षसी सृष्टि का शंकर के द्वारा विनाश कराए. The supreme father, supreme soul Shiv has that tamo pradhan demonic world destroyed through Shankar. इसलिए शंकर के नाम लेने के साथ ही साथ क्या बोलते हैं, हर हर बम बम. That is why what do they say along with the name of Shankar, हर हर बम बम. बम शब्द का भी उच्चारण करते हैं. They pronounce the word bum, that is bomb as well.